हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज हस्बैंड वाइफ के बारे में छोटी सी बात बोलूँगी। ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूँगी इस वीडियो को, जिससे कि आपका टाइम भी ना लगे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। मैं मानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो दुनिया का बेस्ट रिश्ता हो। चाहे आप लव मैरिज करो या चाहे आप अरेंज मैरिज करो, कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ। कभी एक दूसरे पे शक नहीं करो। अगर आपको लगता है कि मतलब कोई भी डाउट हो, तो एक दूसरे से जाकर शेयर करो और अपनी जो भी आपकी गलतफहमी है उसको दूर करो। और देखो, एक वाइफ को क्या चाहिए होता है कि उसका हस्बैंड से प्यार करे, छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें करें और अब उसको शेयर उसके मतलब हर एक बातों को सोचे कि और उसको पूछे कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एक वाइफ को चाहिए क्या होता है? हस्बैंड का प्यार, थोड़ा सा घूमना फिरना और ज़्यादा नहीं। देखो, अगर वाइफ समझने वाली होगी तो वो हस्बैंड को समझ के उसके साथ हर छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करेगी। ऐसा नहीं वो कह रहे हैं कि अब वाइफ इतनी ओवर हो जाए कि नहीं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। देखो, अगर आपका हस्बैंड आपको खुशी से छोटी सी छोटी चीज़ दे रहा है तो आप उसमें खुश रहना चाहिए, यही मेरा मानना है। इससे ना कभी लड़ाई आगे बढ़ेगी और ना फ्यूचर आपका ख़राब होगा। तो यही आपको बोलूँगी कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझो और कभी भी गलतफहमी किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग अपने पे ना लाओ। देखिए, जो प्यार आपकी वाइफ देती है वो प्यार आपको कोई भी लेडीज़ नहीं दे सकती है। चाहे वो आपकी कोई ख़ास फ्रेंड क्यों ना हो या जो भी हो, देखो जो वाइफ का प्यार होता है वो आपको पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता। आप कहीं के भी कंट्री से हो तो आपको वो कहीं नहीं मिल सकता। रही पैसों की बात है, देखो आप अपनी वाइफ को नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे तो वो भी आपको समझेगी कि यार जैसा भी है, अगर मेरा हस्बैंड कम भी कमाता उसमें भी मुझे खुशी है, अगर वो ज़्यादा भी कमाता तो भी उसमें मेरी खुशी है। इसलिए किसी और पर्सन के चक्कर से अपनी लाइफ को ना ख़राब करो। यही बात मैं आपको बोलूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये वीडियो और भी लंबी हो सकती है, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी। और आपको तो पता ही है, देखिए हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, और इतना तो सभी को पता है कि अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा।